हेलो दोस्तों, हम लोग अभी बिट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। बिट ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है? ये बिट टू बिट ऑपरेशन करता है, ये कंपेयर करता है, बिट टू बिट कंपेयर करता है, ये ऑपरेशन करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में जानेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिट वाइज ऑपरेटर्स जो है वो 6 टाइप का होता है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये इसको बोलते हैं शिफ्ट द बीट्स टू लेफ्ट, और ये राइट है, इसको बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं बिट वाइज लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं बिट वाइज लॉजिकल और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और या एक्सोर, XOR। ठीक है, ये 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। पहले हम लोग इसको देखेंगे बिट वाइज लॉजिकल एंड, फिर बिट वाइज लॉजिकल और, फिर बिट वाइज लॉजिकल एक्सक्लूसिव और। ठीक है, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, ठीक है, या फिर एक्सोर इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले बिट वाइज लॉजिकल एंड, देखिए बिट वाइज लॉजिकल एंड का सिंबल ये है। ठीक है, तो इसको देखने से पहले इसका ये ट्रूथ टेबल है, तो ट्रूथ टेबल के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। अगर इसका एक ऑपरेंड ट्रू है और सेकेंड ऑपरेंड भी ट्रू, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। यानी कि अगर यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ वन जीरो है तो रिजल्ट जीरो आएगा। यहाँ अगर जीरो वन है तो यहाँ रिजल्ट जीरो आएगा। यहाँ जीरो जीरो रिजल्ट है तो वन सॉरी जीरो आएगा। ट्रू वन रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और जीरो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। ये तो हम लोग जानते हैं पहले से। चलिए अब हम लोग इसे प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि इसका एक्चुअली में क्या है। ठीक है, अच्छा, और एजी में बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने बोला कि बिट टू बिट कंपेयर करते हैं, बिट टू बिट ऑपरेशन करता है, इसका मीनिंग ये है कि ये बाइनरी पर काम करता है। बाइनरी पर काम करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, चलिए इसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल वे में जानते हैं। मैंने यहाँ कोड पहले से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ एक इंटीजर है, मैं आपको कोड सुना देता हूँ। इंटीजर डाटा टाइप लिया है मैंने, ए वेरिएबल को असाइन किया वैल्यू मैंने 60, और यहाँ एक और इंटीजर है जिसका वैल्यू बी असाइन किया है मैंने 17। ठीक है, तो ये क्या करता है बिट वाइज ऑपरेटर, पहले ये जो डेसिमल है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाइनरी में इसको कन्वर्ट करेगा, फिर इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और दोनों में अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इस प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू, तो ये क्या करेगा, ये इसके बाइनरी को कंपेयर करेगा, बिट टू बिट कंपेयर करेगा। ठीक है, ना कि इसको कंपेयर करने वजह इसके पहले ये इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर और हैं तो और लोगों को भी ये और डिजिट्स को भी ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर बाइनरी टू बाइनरी यानी कि बिट टू बिट क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा। कैसे कंपेयर करता है, देखिए ट्रूथ टेबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि समझ में आए, जैसे कि वन वन रहा तो वन आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या, जीरो जीरो यानी कि फॉल्स 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 फॉल्स। मैं यहाँ नोटपैड थोड़ा सा निकाल लेता हूँ ताकि मैं यहाँ लिख पाऊँ जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, या मैं यहीं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगा एज अ कमेंट, या फिर मैं इसके नीचे लिखता हूँ क्योंकि जूम करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो चलिए मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, इसका जो भी आएगा उसको मैं इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये छोटा दिख रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिखाई दे। अभी ठीक है क्या, चलिए इसको मैं यहाँ लिखूँगा। ठीक है, तो फॉल्स फॉल्स ट्रूथ टेबल में हम लोग आते हैं, देखते हैं फॉल्स फॉल्स, जैसे लास्ट में जो लिखा हुआ है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, यानी कि ज़ीरो आएगा। ठीक है, इसी तरह फॉल्स फॉल्स फिर ज़ीरो, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स का हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल, ट्रू फॉल्स सेकेंड वाला फॉल्स, ये भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसके बाद ट्रू ट्रू है, ट्रू ट्रू हम लोग जानते हैं क्या होता है, ट्रू होगा यानी कि वन 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 होगा, ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, फिर ये ट्रू फॉल्स है फॉल्स होगा, फॉल्स फॉल्स फ्लॉप फॉल्स होता है, और फॉल्स ट्रू क्या होगा, चलिए देखते हैं, फॉल्स ट्रू तीसरा नंबर वाला फॉल्स होगा यानी कि ज़ीरो होगा। तो इस बाइनरी का जो भी डेसिमल कन्वर्जन आएगा उसी यही हमें आउटपुट में यहाँ मिलने वाला,
इसलिए हम लोग इसको पहले ये जो डेसिमल इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ एक ऑनलाइन टूल है जिसमें बाइनरी वैल्यू यहाँ मैं डालूंगा, इसमें मुझे डेसिमल ये कन्वर्ट करके बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं। 16 बता रहा है, यानी कि इसका रिजल्ट जब मैं इसको कंपेयर करूँगा, सॉरी ये कंपाइल करूँगा, इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा, तो प्रिंट फंक्शन मेरा क्या आएगा, 16 आएगा, यानी कि 16 आएगा। देखिए देखिए दिख रहा है यहाँ रिजल्ट ऑफ बिट वाइज एंड ऑपरेशन 16। तो यही है कि ये बिट टू बिट यानी कि बाइनरी टू बाइनरी क्या करता है, कंपेयर करता है और ट्रूथ वैल्यू के अनुसार उसका आपको बाइनरी निकाल के देगा और बाइनरी को वो डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको वैल्यू निकाल कर देगा। तो यही है बिट वाइज ऑपरेटर का काम। ठीक है, तभी हमने सिर्फ बिट वाइज एंड ऑपरेशन देखा है, इसके बाद हम लोग बिट वाइज और देखेंगे, फिर एक्सक्लूसिव और देखेंगे और बाकी के जो टाइप्स हैं उसे भी देखेंगे। ओके ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।